तुम्हें पता नहीं है। संध्या के वक्त दुश्मन अगर तुम्हारे दरवाजे आता है तो उसका भी सम्मान करते हैं। सनेल सनेल स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अरे लौटन का बगिया कोने जइयो, अरे लौटन का बगिया कोने जइयो, अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे, समय संध्या का वक्त है। संध्या के वक्त दुश्मन दरवाजे पर आता है, उसका सम्मान करते उसे भगाते नहीं। अभी तुम घर लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, मालिक को वापस कर दिया। सुबह हुआ, भास्कर देव ने पूरब में जैसे ही आंखें खोली, घूंघर की आवाज हुई, हरिचंद्र ने मंत्री को बुलाया, मंत्री फौज को सजाओ, महाराज हाँ बोलो बोलो, फौज को सजाओ, महाराज फौज तैयार है, हाथी घोड़े घोड़े तैयार है। महाराज हरिचंद्र की फौज ऐसे ही सजी है, फौज को लेकर के उसी बगीचा में पहुंच गए, चारों तरफ से बगीचा को घेरवा लिया। जब बगीचा को घिरवाया है, मंत्री से आदेश दिया, मंत्री ऐलान कर दे जिस सिपाही के पास से होकर के सूकर निकल गया उसे सजा मौत दे। किसी के पास से निकल, किसी के पास से निकल गया सजा मौत मिलेगी। महाराज जाना ये हम तो बहुत पुराने मंत्री है ना, सबके पास से हुए की अगर निकलेगो भाई सजा मौत दी, अगर तेरे पास से हुए की अगर निकलेगो तू तो हम नन्नो नन्नो काटे। महाराज घर से फोन आया, काय के जी की तबीयत खराब है, छुट्टी लेके आया, पांच दिन की दे दो। इस समय तुझे छुट्टी हम देंगे। क्यों? अब तो मोहगो मन तब तू छुट्टी ले रहा है। महाराज हाँ 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 सबके पास से निकल जाएगा तो सजा मौत मिलेगी। बिल्कुल, आपके पास से निकल गया तो मेरे पास से होकर भी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ के राजा हूँ, हम तो शिकार खेलते ही रहते हैं। तो हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते ही रहते हैं, हम पूछ रहे हैं कहीं आपके पास से निकल गया तो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से राजा है, अब हम तो यहाँ तो हर तरह शिकार खेलते रहते हैं। हमारे पास से होकर के निकल ही नहीं सकता किसी भी कारण निकल गया तो। क्या कारण कारण रखा है? बाई चांस किसी भी कारण, मतलब तो तेरी इच्छा रही है कि मतलब दंड तू हमें दे। नहीं मारे, वो तो बाद की बात है, हम पूछ रहे हैं। मतलब तू हमें मारे हो? नहीं महाराज, नहीं आप महाराज वो मारे हो की सोच रहे हो? नहीं महाराज, वो बाद की बात है, हम ये पूछ रहे थे निकल गया तो। तो तू हमें मरे है? नहीं महाराज, मार मत ले गद्दी, तू ले ले। नहीं नहीं बेटा, ले ले अभी नहीं, बाद की बात है।
विश्वामित्र के कानों में आवाज बढ़ गई, जवाब दिया मैं परीक्षा लेने के लिए हरिचंद्र के आए, अगर किसी सिपाही के पास से होकर के निकल गए तो व्यर्थ में एक मौत मारा जाएगा, मैं ये नहीं चाहते, मैं परीक्षा लेंगे तो हरिचंद्र की परीक्षा लेंगे। हरिचंद्र के टांगों के 20 स्तंभ निकल गए ऐसे महाराज, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, आपकी 20 निकल गया, आप भी निकल जाओ, कहाँ महाराज, महाराज आप इस सेना को लेकर के घर पहुंचो, हमारे टांगों के 20 स्तंभ निकल गया है, इसका हम अंत करके तभी हम महाराज, हम आपके साथ चलेंगे, हमारे साथ, कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारे हमारे साथ तो आप मन चलो, आप घर जाओ। और महाराज मेरे टांगों से 20 स्तंभ निकला है, इसका बद हम ही करें, समझदार हो महाराज, कहीं कुछ हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे रहने को। मुंह दिखाई रहे हैं महाराज, जो विचार सही है हम जाएं, कहां कहां घर घर, फिर रानी से बोलते हैं क्या महाराज, मारेगा महाराज। हरिचंद्र ने भेज दिया है मंत्री और सिपाहियों को, महाराज हरिचंद्र घोड़े पर सवार होकर के घोड़ा पीछे डाल दिया, विश्वामित्र शूकर का रूप बना करके आगे भागते रहे, भागते रहे, जब नहीं दौड़ा गया तो झाड़ी में जाकर के छुप गया, संत का भेष बनाया, उधर से निकल के आ गए, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा जी सीताराम सीताराम, आपने इधर से सुकर जाता हुआ देखा है, अब देखने में तो राजा महाराजा लगते हो, सुकर का क्या करोगे, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप हमें जानते नहीं हो, नहीं हम तो नहीं जानते, मैं ही हूँ तान भी राजा हरिचंद्र, माफ कीजिए भगवान, मैं तो ताने की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ, बस इतना है जो हमारे हाथ में आता है, जो मांग लेते हैं वो हम दे देते हैं, आप ही तान भी राजा हरिचंद्र, हमारा ही नाम है, आपका नाम तो हमने देश विदेशों में सुना है, कुछ कहना है ना, हाँ कहना है, क्या कहना चाहते हो, सुनो तो सोमानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और सुना तेरी सौ सौ कोसन राजा रे आयो नहीं है कसबोई, महाराज हरिचंद्र आगे बढ़े, दोनों हाथ जुड़े, विश्वामित्र से जवाब देने लगे हरिचंद्र, सुई जोड़े दो संतों को क्या चाहिए, मेरे ख्याल से अरे बनवाए मंदिर साला, बापे जपो हरि की माला, जवाब दिया बाबा।